कौए के बारे में आप क्या जानते हैं? वही काले रंग का पक्षी जिसकी कांव कांव से लोग परेशान हो जाते हैं। यह हर कहीं पाया जाता है, घरों के बाहर, पेड़ों में, खेतों में और हर उस जगह जहां उनके झुंड को खाना पानी आसानी से मिल जाए। आप कह सकते हैं कि कौआ हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा है। हमने अपनी दादी नानी से सुना है कि घर की मुंडेर या पेड़ के पास कौआ बोले तो समझ जाना चाहिए कि मेहमान आने वाले हैं। कौए से जुड़ी एक कहावत भी है, झूठ बोले कौआ काटे। बचपन में कौए और कोयल वाली कविता भी तो हम सभी ने पढ़ी है, कौआ कांव कांव चिल्लाता, कौआ किसके मन को भाता। लेकिन पेड़ों और किताबों में छाए रहने वाले इस पक्षी का सनातन परंपराओं से गहरा रिश्ता है। कौए को यमराज का संदेश वाहक माना जाता है। श्राद्ध के समय जिन तीन पशु पक्षियों के लिए ग्रास निकाले जाते हैं, उनमें कौआ भी एक है। मान्यता है कि पितृपक्ष में अपने किसी पूर्वज का श्राद्ध कर कौए को भोजन जरूर देना चाहिए। कौए ने श्राद्ध का खाना खा लिया तो यह सूक्ष्म रूप में हमारे पूर्वज तक पहुंच जाता है। इस बारे में भी कई तरह की कथाएं प्रचलित हैं। कुछ लोगों का मानना है कि पितृपक्ष में कौए को भोजन कराने से हमारे पूर्वज प्रसन्न हो जाते हैं। कौआ ही भोजन ग्रहण करने के बाद पितरों के पास समाचार पहुंचाता है कि पृथ्वी पर उनकी संतानें किस हाल में हैं। कई और मान्यताएं भी हैं। हमारे पूर्वज कौए के रूप में आकर श्राद्ध का भोजन ग्रहण करते हैं। मृत्यु के बाद किसी भी व्यक्ति की आत्मा सबसे पहले कौए के रूप में जन्म लेती है। गरुण पुराण में कौओं को देवपुत्र माना गया है। एक कथा के अनुसार त्रेता युग में एक कौए ने भगवान राम की पत्नी सीता के पैर में चोंच मार दी। इससे माता सीता के पैर में घाव हो गया। भगवान राम बुरी तरह क्रोधित हो उठे। भगवान राम के एक तीर ने कौए की आंख फोड़ दी। दर्द से कराहते कौए को देख श्री राम द्रवित हो उठे। उन्होंने कौए को वरदान दिया कि तुम्हें भोजन कराने से पितृ प्रसन्न हो जाएंगे। इसके बाद कौए को सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा। यह कौवा कोई और नहीं, इंद्रदेव का बेटा जयंत था। भगवान राम ने जो बाण चलाया है वह भी तिनके का था। कौए का जिक्र रामचरितमानस में भी मिलता है। महाकवि तुलसीदास ने काकभुशुंडी को राम भक्त बताया है। माना जाता है कि लोमश ऋषि के शाप से काकभुशुंडी ही कौवा बन गए थे। ऋषि लोमश ने काकभुशुंडी को राम की भक्ति और इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। काकभुशुंडी के बारे में एक और कथा प्रचलित है। माना जाता है कि सबसे पहले भगवान शंकर ने माता पार्वती को राम कथा सुनाई थी। इस कथा को वहां मौजूद एक कौए ने भी सुन लिया। कौए का पुनर्जन्म हुआ और वो काकभुशुंडी बना। काकभुशुंडी ने ही वाल्मीकि से पहले गिद्धराज गरुड़ को राम कथा सुनाई थी। भगवान राम को काकभुशुंडी ने अमरता का वरदान दिया था, वह कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। मान्यता है कि न्याय के देवता शनि के 9 वाहनों में से एक वाहन कौआ भी है। कौए के शनिदेव का वाहन बनने की कथा रोचक है। कहते हैं कि सूर्य की पत्नी संध्या अपने पति के ताप से बहुत परेशान थीं। संध्या ने इससे बचने के लिए अपनी छाया बनाई और उसे सूर्यदेव के पास छोड़कर चली गई। जाते समय छाया को हिदायत दी कि वो सूर्यदेव से दूर रहे। संध्या जब तप पूरा कर वन से लौटी तो छाया के पुत्र शनि का जन्म हो चुका था। संध्या ने छाया और शनिदेव दोनों को सूर्य लोक से निकाल दिया। छाया और उनका पुत्र शनि वन में रहने चले गए। वन में एक कौआ भी रहता था। एक दिन सूर्यदेव ने वन में आग लगाकर छाया और शनि को मारने का प्रयास किया, लेकिन संयोग से दोनों बच गए। शनि को जंगल की आग से बाहर निकालने में कौए ने बड़ी सहायता की थी। इसके बाद से कौआ शनिदेव का प्रिय वाहन बन गया। शनिदेव के प्रकोप से मुक्ति और उन्हें प्रसन्न करने के लिए भक्त कौए को खाना खिलाते हैं। कौए को शगुन अपशगुन से भी जोड़ा जाता है। कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं। मादा कौए के अंडों की संख्या के आधार पर बारिश या सूखे का अंदाजा लगाया जा सकता है। कौआ सामने से आकर भोजन करे और पैर से सिर खुजलाए तो उसे देखने वाले का काम पूरा हो जाता है। किसी ने चोंच में सूखा तिनका लेकर उड़ रहे कौए को देख लिया तो ऐसे व्यक्ति को धन लाभ होता है। तो भक्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि धर्म, अध्यात्म और दैवीय उपायों की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे।